हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले रेलवे ALP की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप जानते हैं कि ALP की वैकेंसी निकली हुई है। वैकेंसी की संख्या काफ़ी कम होने के कारण ही यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों आप प्रोटेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देने की कोशिश करें जिससे वैकेंसी में बढ़ोतरी हो सके। चलिए दोस्तों वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे CEN 1/2024 ये वैकेंसी का यहाँ पे इन्होंने नंबर दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि इसकी डेट्स क्या क्या है। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ आ जाते हैं दोस्तों, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट क्या है। दोस्तों यहाँ पे ओपनिंग डेट फॉर्म अप्लाई आपके 20/1/2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट की बात करें तो यहाँ पे 19/2/2024 रखी गई है। और यहाँ पे अगर मॉडिफिकेशन की बात कर लें, अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती आती है तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे 20/2/2024 से 29/2/2024 को यहाँ पे विंडो खुली रहेगी ऑनलाइन दोस्तों, तो इसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे अपने। तो दूसरा पॉइंट है हमारी जो पोस्ट है लोको पायलट की। तो आज हम जान लेते हैं इस पोस्ट में क्या क्या आपको पे मिलने वाला है और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है। तो ये असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट है दोस्तों, लेवल 2 की पोस्ट है। इनिशियल पे की बात करें 19,900 रुपये है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A1 है, A1 होना चाहिए। एज आपकी 18 से 30 होनी चाहिए। और एज की बात कर ले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1/7/2024 यानी कि 1 जुलाई से आपकी एज 18 से 30 के बीच होनी चाहिए। टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं 5,696 है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें मैं आपको बताऊँगा, अगर कोई भी चीज़ आपको डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर ले तो A1 मेडिकल होना चाहिए, फिजिकली फिट ऑल रिस्पेक्ट। और विज़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। विज़न टेस्ट वगैरह जो होते हैं आपके, सबसे पहले जान लेते हैं 6x6 आईज होनी चाहिए आपकी, और 6x6 विदाउट ग्लासेज होनी चाहिए विद फोजिंग। फोजिंग टेस्ट मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2D, यानी कि आपकी आंखें जो होनी चाहिए वो 6x6 होनी चाहिए, मतलब एग्जैक्ट कोई भी एक भी पॉइंट कम होगा तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका नियर विज़न आपकी 0.6 विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए। विदाउट ग्लासेस यानी कि ग्लासेस अगर आप पहनते हैं तो आप इसमें अप्लाई ना करें। नेक्स्ट है आपका मस्ट पास टेस्ट ऑफ कलर विज़न टेस्ट पास होना चाहिए, बायनोकुलर विज़न टेस्ट पास होना चाहिए, फील्ड ऑफ विज़न, नाइट विज़न, मिजोफिक विज़न एट्सेट्रा। ये सारे टेस्ट आपके आँखों से रिलेटेड हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम आ जाते हैं एज के बारे में। तो एज के बारे में इन्होंने काफ़ी चीज़ें क्लियर की हैं। यहाँ पे एज आपकी 1/7/2024 यानी कि 1 जुलाई से काउंट होगी 18 से 30, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था। नेक्स्ट SC ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट, यहाँ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी जो अगर ग्रुप डी में आप काम करते हैं, ग्रुप सी में हैं, तो आप अनरिजर्व अगर EWS में आते हैं तो आपको 40 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। OBC NCL 43 साल, SC ST कैंडिडेट 45 साल तक। बाकी फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ रिलैक्सेशन इन्होंने दिया हुआ है 35, 38 और 40 साल का। कैटेगरी वाइज है सभी का, आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपने ITI कर रखी है और प्लस आपने अप्रेंटिसिप रेलवे से की है तो यहाँ पे ये 25 साल के अगर आप अंदर कर लेते हैं अप्रेंटिस तो यहाँ पर आपको यहाँ पे भी छूट दी गई है, जो कि UREWS के लिए 35 साल आप फॉर्म भर सकते हैं, OBC NCL 38 साल और SC ST कैंडिडेट 40 साल। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर आपने अप्रेंटिसशिप रेलवे से की है तभी आपको ये रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इन्होंने एज को वही अपर एज लिमिट बता दिया अनरिजर्व की 1/7/1994। बाकी आप देख सकते हैं, कोई भी डाउट आएगा दोस्तों आप कमेंट कर देंगे, उसके बारे में डिटेल वीडियो बना दूंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, इस वजह से मैं सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही बताता हूँ। बाकी अगर आपको डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं इन्होंने बताया फ़ीस के बारे में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ़ीस के बारे में, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ीस के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर फ़ीस आपकी 500 लगने वाली है जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं। आउट ऑफ दिस फॉर ऑल कैंडिडेट 200, ये ऑल कैंडिडेट के लिए है। एक्सेप्ट बिलो इन Serial No. 2 यानी कि अगर आप जनरल OBC हैं तो आपको 500 रुपये फीस जमा करनी पड़ेगी और यहाँ पे 400 रुपये आपका रिफंड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST, अगर आप SC ST हैं, सर्विसमैन है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है या माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं
या फिर EBS है तो आपको 250 रुपये फ़ीस यहाँ जमा करनी होगी, फ़ीस पूरी तरीके से रिफंड हो जाएगी ये 250 रुपये। बाकी 500 रुपये जो जनरल OBC की है तो उसमें उसको 400 रुपये वापस हो जाएंगे आपको। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में आपकी कवर करूँगा। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है क्वालिफिकेशन की, मैं आपको बता देता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें, बाकी सिलेबस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट के लिए यहाँ पे ITI अगर कोई भी निम्न ट्रेड में किया है, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर, टर्नर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन, किसी में से ITI किया है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अगर आपने डिप्लोमा कहीं से भी किया हुआ है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ITI की है, यानी कि अगर आपने ITI नहीं की कहीं से और अगर आपने डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप कर ली है रेलवे से, वो भी तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पे आ जाते हैं वैकेंसी के बारे में। यहाँ वैकेंसी टेबल दी गई है, एक एक वैकेंसी को हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अहमदाबाद की टोटल 238 पोस्ट है, अजमेर की 228 है, बेंगलोर की 473 है, भोपाल की यहाँ 219 और 65 है, भुवनेश्वर की 280 है, बिलासपुर 124 और 1192 है, चंडीगढ़ की 66 है, चेन्नई की 148 है, गोरखपुर की 43 है, गुवाहाटी की 62 है, जम्मू श्रीनगर की 39 है, 254 आपकी कोलकाता 254 91 है, मालदा आपकी 161 और 56 है, मुंबई की 26 110 411 है, मुजफ्फरपुर की 38, पटना की 38, प्रयागराज की 241 और 45 है, रांची की 153 है, सिकंदराबाद की 199 और 559 है, यहाँ सिलीगुड़ी की 67 और त्रिवेंद्रम की 70 है। टोटल 5696 सीटें हैं दोस्तों। तो टोटल यहाँ पे 5696 सीटें निकली हुई हैं। बाकी सिलेबस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, जय हिंद, मिलते हैं।